अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सबा स्टाइल। व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक और स्टाइलिश कटवर्क पोंचा डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो व्यूवर्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने बुकरम कटिंग करना है और यहाँ पर हमने बुकरम की जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच तक लेनी है और लंबाई में हमने अपने पेंचे के मुताबिक लेना है। यहाँ पर मैंने बुकरम के 4 पीस लिए हैं। दोनों पेंचों के लिए मैं एक बार में ही कटिंग कर लूँगी। हमें एक पेंचा बनाने के लिए 2 पीस चाहिए बुकरम के। अभी हम इन 4 पीस को बराबर करके सेंटर में हम बड़ा टांका करके सिलाई लगा लेंगे ताकि ये बुकरम जो है वो हमारा अच्छी तरह से अटैच हो जाए, अच्छी तरह से कवर हो जाए और हम इजीली इसकी कटिंग कर सकें। तो ये 4 पीस में हमने इस तरह से कवर कर ली हैं अच्छी तरह से। अब हमने यहाँ पर इसके ऊपर 2 इंच पर निशान लगाना है। ये देखें, इस तरह से हम 2-2 इंच पर इस तरह निशान लगा लेंगे और इस तरफ से हम 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और अब 1/2 इंच से जो एक्स्ट्रा ऊपर वाली साइड हमारे पास बुकरम बच गया उसके ऊपर हमने इस तरह से राउंड शेप में निशान लगा लेने हैं। आप इस तरह से मेजरमेंट करके भी कटवर्क बना सकती हैं या फिर आप किसी चीज़ का आप कैप वगैरह भी ले सकती हैं राउंड शेप में और उसको रखकर भी आप कटवर्क बना सकती हैं। मैं इस तरह से हाथ से ही आपको बनाना सिखा रही हूँ। ये हमने सारे कटवर्क बना लिए हैं। अभी हमने इसी तरह से राउंड शेप में इसकी कटिंग कर लेनी है। ये सारा हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद अब हम इसकी सिलाई भी निकाल देते हैं ताकि 4 पीस अलग अलग हो जाएं। यहाँ पर 2 पीस हमें चाहिए एक कटवर्क पेंचा बनाने के लिए, तो 2 पीस मैं अलग कर लेती हूँ, दूसरा हम बाद में बना लेंगे। अभी मैं आपको एक बनाना सिखा देती हूँ, वैसे ही आप दूसरा भी रेडी कर लीजिएगा। एक कटवर्क को हमने अपने कैपरी के ऊपर पेस्ट कर लेना है उल्टी वाली साइड पर और यहाँ पर हमने 2 इंच तक चौड़ाई में फैब्रिक लेना है। इस फैब्रिक को हमने नीचे रखना है और कैपरी को हमने उल्टा करके इसके ऊपर रखना है। और व्यूवर्स, आपने इस बुकरम को साथ साथ सिलाई लगानी है और बुकरम को आपने कैपरी की उल्टी वाली साइड पर पेस्ट करना है और नीचे जो हम फैब्रिक रख रहे हैं वो हम सीधी वाली साइड पर रख रहे हैं। अभी यहाँ पर हमने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी। अब हमने एक पैर तक छोड़कर बाकी एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो हम कटिंग कर लेंगे। सारा कटिंग करने के बाद अब हम इसके सेंटर में इस तरह से कट भी लगा लेते हैं ताकि ये अच्छे से पलट जाए। और अब हमने जो नीचे फैब्रिक लगाया उसको हमने इस तरह से उल्टी वाली साइड पर पलटा लेना है और हमने इसकी कटवर्क की अच्छे से गुलाई निकाल लेनी है और इसको प्रेस कर लेना है। और उल्टी वाली साइड से व्यूवर्स, आपने बुकरम के बराबर रखकर जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक होगा उसको हमने बुकरम के बराबर रखकर अंदर की तरफ कवर कर लेना है प्रेस करके। इस तरह से बुकरम के बराबर हमने रखकर इसको भी इस तरह प्रेस कर लेना है। तो हमारा पेंचा जो है वो कैप्रिक हमने इस तरह रेडी कर लेना है। अब हमने एक दूसरा जो कटवर्क है उसको भी हमने अलग फैब्रिक के ऊपर लेना है और इसके चारों तरफ आप देख लें 1/2 इंच तक हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है और इसको भी बिल्कुल वैसे ही आपने सेम बुकरम के साथ सिलाई लगा कर कटिंग करने के बाद इसको भी आपने पलटा लेना है। और अब यहाँ पर हमने कंट्रास्ट कलर का फैब्रिक लेना है और 2.5 इंच तक हमने इसकी चौड़ाई लेनी है। और ये वाला जो हमने कटवर्क बाद में हमने बनाया था अलग से, इस कटवर्क हमने बुकरम के बराबर फैब्रिक जो एक्स्ट्रा है वो अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है, प्रेस से बिठा लेना है। और ये कंट्रास्ट कलर वाला जो हमारा फैब्रिक है इसको हमने, ये देखें, इस तरह सेंटर में रखना है कटवर्क के और बुकरम वाली साइड जो है कटवर्क की वो हमने ऊपर रखनी है। सिंपल जो फैब्रिक है वो नीचे रखेंगे, किनारे की सिलाई लगा कर इसको भी हमने स्टिच कर लेना है। अब हमारा जो सलवार का कटवर्क है इसको हमने यहाँ पर ऊपर की तरफ रखना है और यहाँ पर आपने कटवर्क के सेंटर में 1 इंच का बिल्कुल बराबर आपका 1 इंच का गैप होना चाहिए। और अब ऊपर वाली साइड पर जो कटवर्क है हमने किनारे पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। जो सिंपल वाला हमने कंट्रास्ट कलर का फैब्रिक लगाया वो पूरा 1 इंच तक हमने शो होने देना है। और यहाँ पर आप उल्टी वाली साइड से भी देख लें और सीधी वाली साइड से भी। तो इस तरह से हमारा सिंपल और इजी सा डबल कटवर्क पेंचा डिज़ाइन भी रेडी हो चुका है। अभी आप इसको सिंपल रखना चाहें तो आप सिंपल भी रख सकती हैं और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर कंट्रास्ट कलर के इस तरह से पर्ल्स भी लगा सकती हैं। तो इस तरह से हमारा बहुत ही खूबसूरत पेंचा डिज़ाइन रेडी हो चुका है। आप कैपरी पर, ट्राउज़र पर, सलवार पर इस डिज़ाइन को ट्राई कर सकती हैं
और मेरी आज का आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और इसमें मज़ीद खूबसूरत डिज़ाइन देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करिएगा। मेरे चैनल पर आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ मिल जाएंगी ड्रेसिस की, स्लीव्स की, नेक की, से फ्रॉक वगैरह की भी, तो आप चैनल को ज़रूर विज़िट करिएगा। तो व्यूअर्स आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।